आप नेत्री गीतू शौकीन 6 साल से नगली सक्रावती वार्ड में समाज सेवा करती आ रही है। कोविड में गीतू शौकीन ने नगली सक्रावती वार्ड में सैनिटाइज करवाया, जिससे कि उनके वार्ड में कोरोना महामारी से लोगों को बचाया जा सके। ज़रूरतमंद लोगों को घर घर जाकर राशन किट दी। मीडिया ने गीतू शौकीन से बात की, क्या कुछ कहना गीतू शौकीन का। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर, दिल्ली, नगली सक्रावती वार्ड। की बात करें तो मुझे लगभग 6 साल हो गए हैं। 6 साल से मैं पार्टी, जो आम आदमी पार्टी है, उसकी सदस्य रही हूँ। पहले मैं मंडल अध्यक्ष थी और मंडल अध्यक्ष के उपरांत मुझे वार्ड अध्यक्ष बना दिया गया, और पिछले 4 साल से मैं लगातार वार्ड अध्यक्ष हूँ। पार्टी ने मुझे पहले वार्ड अध्यक्ष बनाया और दूसरे जो दौर में भी है, दोबारा से मुझे कार्यभार दिया गया वार्ड अध्यक्ष का। तो ये लगा लीजिए कि 6 साल हो गए समाज की सेवा करते हुए। ये जो सैनिटाइजर किट वगैरह आपने और राशन वितरण किया है, ये आपको पार्टी द्वारा मिला था या अपने सहयोग से जो पहले लॉकडाउन हुआ और अब लॉकडाउन हुआ, दोनों लॉकडाउन में मेरा पूरा प्रयास रहा है कि कोई भी भूखा ना सोए, और मैंने पूरी कोशिश की है अपने वार्ड में। मंडल अध्यक्ष जो हैं, बूथ इंचार्ज हैं, हम सभी ने मिलकर प्रयास किया कि हर घर तक, जैसे कहते हैं जहां जब हम इलेक्शन होता है तो बूथ इंचार्ज और मंडल अध्यक्ष और सारे कार्यकर्ता हर घर तक पहुँचते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जब हम वोट मांगने हर घर तक पहुंच सकते हैं, तो जो ये परिस्थिति है, आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे भली प्रकार से समझते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन यापन की बहुत समस्या बनी रही, और इस लॉकडाउन के दौरान लोगों के रोज़गार छिन गए। लोगों के पास जो डेली रोज़मर्रा की, हम कहें कि जीवन यापन की सुविधाएं नहीं थी, तो हमने उन लोगों को राशन पहले ढूंढा कि उन लोगों को मिले जो नीडी हैं। क्योंकि पिछले लॉकडाउन में मैंने ये चीज़ नोट की थी कि लाइनों में लग जाते थे और लगातार एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, और जो ज़रूरतमंद होता था, मैं बात करूँगी मीडियम फैमिली की, जो लाइन में लगने से कतराता है, वो लाइन में नहीं लग सकता। उसमें चाहे कुछ भी लगा लीजिए, कहीं पे उसकी रिस्पेक्ट का डर है, कुछ भी लगा वो कर लीजिए। तो हमने इस बार ये मुहिम चलाई कि हम लाइन में लगा के राशन नहीं बांटेंगे, हम खुद घर जाएंगे। हमारी जो टीम बनाई गई, जहाँ से हमारे पास फ़ोन आए, हम घर गए, और घर जाके हमने कोई फ़ोटो नहीं ली, कोई फ़ोटोशूट नहीं हुआ, हमने बिना फ़ोटोशूट करवाए, ताकि एक सम्मान रहे। अगर हम दे रहे हैं, हम सेवा की भावना से दे रहे हैं, हम दिखाने की भावना से नहीं दे रहे हैं। तो हमने घर जाकर राशन वितरित किया। और मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल जी, उनका आह्वान था कि सरकार तो करेगी। हर एक कार्यकर्ता से मैं अपील करता हूँ, जिससे भी जो कुछ भी बन सके अपने लेवल पे कीजिए, और मैंने थोड़ा सा प्रयास किया समाज सेवा करने के लिए। अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जिस तरह आप यहाँ पे अपने क्षेत्रवासियों की सेवा कर रही, कोरोना महामारी में या कोई भी मुसीबत आती है, 24 घंटे आप खड़े रहते हैं। सबसे पहले तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अभी जो है कोरोना गया नहीं है। अभी आपने लेटेस्ट न्यूज़ सुनी होगी कि जो DM सर हैं लक्ष्मी नगर, उन्होंने दोबारा से मार्केट को लॉक कर दिया। तो ऐसा ना हो कि दिल्ली दोबारा से हर मार्केट और हर क्षेत्र को दोबारा से लॉक किया जाए। तो लोगों से मैं आग्रह करूँगी कि अभी कोरोना जो महामारी है अभी भी है, आप लोग लगातार देख भी रहे होंगे, TV पे वैज्ञानिकों को सुन भी रहे होंगे कि डेल्टा प्लस जो है वेरिएंट, वो अन्य देशों में और हमारे देश में भी कई जो मरीज हैं वो पाए गए हैं। अगर हमें तीसरी वेव को रोकना है, तो उसका सिर्फ एक ही जरिया है कि आप जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर ना निकले, और अगर घर से बाहर निकल भी रहे हैं किसी काम करने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम घर में बैठ जाएंगे, हमें जीवन यापन करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, तो मास्क का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी जरूर बना के रखें। अच्छा मैडम, मैं अभी 2022 में MCD के चुनाव आ रहे हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगी, जैसे कि टिकट की दौड़ में आप भी है। देखिए सर, मैंने लगातार 6 साल से पार्टी के लिए कार्य किया है, और मैं अपने लिए टिकट नहीं मांग रही। मेरे लिए जो टिकट मांग रही है, वो नंगली वार्ड की जनता मांग रही है। अगर देखिए, अब जनता बहुत जागरूक हो गई है, जनता को पता है कि अगर हम किसी अच्छे कैंडिडेट को चुनते हैं तो वो हमारे क्षेत्र का विकास कर सकता है। और मैं जो मैंने इन 6 सालों में राजनीति को देखा है, राजनीति के बारे में सोचा है, तो मैं ये ज़रूर अपील करूँगी सभी पार्टियों के आलाकमान से कि आप ऐसे कैंडिडेट को वोट दें जो एजुकेटेड हो, जो अपनी चीज़ें आगे रख सकें और अपनी जनता के कार्य करवा सके। एजुकेशन मैटर जरूर करती है,
अगर आप एजुकेटेड ही नहीं हो तो आप कैसे जनता की चीज़ों के आगे रख पाओगे और कैसे उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर पाओगे, कैसे अधिकारियों से बातचीत कर पाओगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अशिक्षित कैंडिडेट नहीं कर पाता। और दूसरा 2022 के जो आप कह रहे हैं कि नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं लड़ूंगी, बाकी सब पार्टी के ऊपर हैं। मैं इसके बारे में कोई ये नहीं कह सकती कि भी पार्टी मुझे ही देगी, मेरा काम सिर्फ कर्म करना है, बाकी तो आला कमान है। अच्छा मैडम, चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे आखिर आपको राजनीति में क्यों आना पड़ा, क्या आपको लगा कि आपको राजनीति में आना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए? ये प्रश्न बहुत अच्छा है, मेरे से लगातार जब भी इंटरव्यू देती हूँ तो ये प्रश्न पूछा जाता है। राजनीति में आने का सिर्फ एक ही कारण था, वो जो था मैं नंगली वार्ड की अध्यक्षा हूँ और दीनपुर गांव से हूँ। दीनपुर गांव में पानी की बहुत समस्या थी। मैं बेसिकली जो है मेरा पैतृक गांव है वो हरियाणा कैथल डिस्ट्रिक्ट में है और दिल्ली में शादी कर दी गई, हस्बैंड है जो डॉक्टर हैं। लेकिन आप लोग भी जो देहात के लोग और दिल्ली में करते हो तो बड़ा ये मान होता है कि भी दिल्ली में हमने हमारी बेटी की शादी कर दी, लेकिन एक विडम्बना थी। पेरेंट्स जब भी आते टाइम दे ही नहीं पाते थे, हम सारा दिन यही वेट करते रहते थे कि टैंकर आएगा और टैंकर से हम पानी भरेंगे। सिर्फ ये पानी की जो समस्या थी यही राजनीति में लेके आई। मुझे लगा कि आम आदमी पार्टी जो आई है काम करने की भावना से आई है और तब किए भी हैं, पिछले 5-6 साल में जो है काम किए भी हैं, तो पानी की समस्या से लेकर ही पार्टी से जुड़ी थी। ये लग रहा था कि जब तक हम खुद उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे हमें पता ही न लग पाएगा कि समस्याएं कहां पर हैं। और मैं विधायक श्री गुलाब सिंह जी का, अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जैसे मैं पार्टी में जुड़ी उससे 1 साल बाद मेरे घर में टूटी से पानी आने लगा, तो जो जिस उसके साथ मैं जुड़ी थी वो तो वहीं पे ही सफल हो गया। फिर मुझे लगा कि जो समस्याएं मैंने फेस की हैं, सिर्फ ये हो गया कि पानी आने लग गया, क्या उसके बाद घर बैठ जाना चाहिए? तो मेरे अंतरात्मा से ये आवाज़ आई, अगर आपकी समस्या राजनीति में आने से सोल्व हो सकती है तो इतनी सारी समस्याएं हैं क्षेत्र में, अगर आप लगातार राजनीति से जुड़े रहोगे तो शायद उन समस्याओं का भी आप समाधान करवा पाओगे। और फिर एक बार जब सर लग गए तो लगते ही चले गए, कहीं पे पानी की समस्याएं थी उनका सोल्व करने का। मुझे ऐसे लगता है कि हर एक इंसान की समस्या मेरी खुद की समस्या है क्योंकि वो मैंने भोगी है, तो सिर्फ यही कारण था राजनीति में आने का और कोई अन्य कारण नहीं था। लाइक शेयर एंड कमेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन।